Good morning, dear students. How are you all doing today? Hope you all are safe and healthy at your home. Well, children, as you know, we have started your chapter number 5 and we have covered the topic of coal. So today we will start the learning of new topic, which is petroleum. Petroleum means oil of rocks. Petro means rocks. And oleum means oil. So, petroleum means oil of rocks. Petroleum एक viscous, गाढ़ा, dark color का fluorescent चमकीला liquid है, which occurs deep inside the earth. ये earth के बहुत अंदर deep part में पाया जाता है. Petroleum जो है वो lighter than water होता है. अगर हम इसे water में mix करेंगे, तो ये क्योंकि lighter है than water, तो ये float करेगा on the surface of वाटर. पेट्रोलियम का जो ऑर्डर है, मीन्स उसकी जो स्मेल है, वो बहुत अनप्लीजेंट होती है. पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल. पेट्रोलियम को यूज में लेने से पहले वी हैव टू रिफाइन इट, बिकॉज वी कैन नॉट यूज क्रूड ऑयल फॉर एनी यूजफुल पर्पज. सो टू मेक इट यूजफुल वी नीड टू फर्स्ट रिफाइन इट. Well, children, let's understand the composition of petroleum. Petroleum contains a large number of different hydrocarbons. Petroleum mein large numbers of different type ke hydrocarbons contain hote hain, aur kuch organic compounds bhi hote hain jinme ki nitrogen, oxygen and sulfur hote hain. To hum keh sakte hain ki petroleum ek complex mixture hai large number of organic compounds ka, जो कि डिफरेंट टाइप्स के हैं और वो मिक्स्ड हैं विद सेलाइन वाटर. सेलाइन वाटर मीन्स सी वाटर एंड सिल्ट के साथ, जो कि डस्ट पार्टिकल्स होती हैं. नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ इज पेट्रोलियम फॉर्म? पेट्रोलियम कैसे बनता है? इट फॉर्म ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी अंडर हाई टेम्परेचर, high pressure and in the absence of air. Sea में रहने वाले organisms की जब death हो जाती है, तो उनकी जो bodies होती है, वो कहाँ जाके settled हो जाती है? At the bottom of the sea. धीरे धीरे ये cover हो जाती हैं by sand and clay, जो कि available रहता है उस water में. Then over a period of millions of years, कई सालों में ये जो remains हैं उनके एनिमल्स के, ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू पेट्रोलियम. और इनको पेट्रोलियम में कन्वर्ट करने के लिए कंबाइंड इफेक्ट लगता है हाई टेम्परेचर का, हाई प्रेशर का, और बैक्टीरियल एक्टिविटीज होती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ये जो पेट्रोलियम फॉर्म होता है, ये पोरस रॉक से पास आउट हो जाता है और एक प्लेस पर ट्रैप हो जाता है, जहाँ पर नीचे इम्परवियस रॉक्स होते हैं. जो मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं पेट्रोलियम के, वो बना देते हैं गैशियस कवर ओवर पेट्रोलियम, मींस पेट्रोलियम के ऊपर उनका कवर बन जाता है. ये जो गैशियस मिक्सचर होते हैं, ये कवर करते हैं क्रूड ऑयल को, और इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल गैस. नेक्स्ट टॉपिक इज माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम फ्यू हंड्रेड मीटर से लेके 2 से 3 किलोमीटर की डेप्थ तक प्रेजेंट हो सकता है. इसे ऑप्टेन करने के लिए अर्थ क्रस्ट में होल्स किए जाते हैं ड्रिलिंग प्रोसेस की हेल्प से, एंड देन पाइप्स को इंसर्ट किया जाता है जब तक पाइप्स पहुंच ना जाए उस जगह पर जहां की पेट्रोलियम डिपॉजिट है. जैसे ही पाइप्स उस प्लेस पर पहुंचते हैं, तो इंटरनल प्रेशर की वजह से जो क्रूड ऑयल होता है, वो एकदम से प्रेशर से बाहर आता है. सेम उसी प्रेशर से जैसे ट्यूब वेल्स में जब बोरिंग के प्रोसेस में पानी बाहर आता है, द सेम वे इसी प्रोसेस से जो क्रूड ऑयल है, वो भी बाहर आता है. लेटर ऑन पंप्स की हेल्प से पेट्रोलियम को पंप आउट कर लिया जाता है. नाउ विल अंडरस्टैंड द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. क्रूड ऑयल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, विच आर मिक्स विद सी वाटर एंड सिल्ट, एंड वी कैन नॉट यूज इट एज सच बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज.
पेट्रोलियम को सेपरेट किया जा सकता है इनटू सेवरल यूजफुल प्रोडक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को ही हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम भी बुलाते हैं। पेट्रोल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेट्रोलियम रिफाइनरी में किया जाता है। पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए टॉल स्टील फ्रैक्शनेटिंग टावर होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। इन टावर्स में क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। क्रूड ऑयल को हीट करने पर जो वेपर प्रोड्यूस होती हैं वो मूव करती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। जो हाई बॉइलिंग कंपोनेंट्स हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं और वो वापस से लोअर पार्ट जो है टावर का उसकी तरफ रिटर्न होने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर आउटलेट्स बने हुए होते हैं जहाँ से उन्हें सेपरेट कर लिया जाता है। जो लो बॉइलिंग कंपोनेंट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ मूव करते हैं और वो ऊपर वाले पार्ट में जाके कंडेंस होते हैं और उन्हें वहाँ से सेपरेट कर लिया जाता है। और जो अनकंडेंस फ्रैक्शन होता है वो एज इट इज़ बाहर की तरफ पास आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, और इस गैस को हम बोलते हैं पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करने पर हमें जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो हैं पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच वी यूज एज फ्यूल्स आर पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल एंड फ्यूल ऑयल। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिन्हें हम एज अ फ्यूल यूज़ नहीं करते हैं वो हैं पेट्रोलियम ईथर, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ग्रीस, पेट्रोलियम जेली, पैराफिन वैक्स। वेल, दैट्स इनफ फॉर टुडेज वीडियो चिल्ड्रन। आई होप ऑल दिस टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। द रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इन आर नेक्स्ट वीडियो। नाउ चिल्ड्रन, कम्स योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। You need to maintain social distancing, eat healthy food, drink lots of water, do exercise, stay at home, use mask in case you need to leave your home. So children, be healthy, be fit, be happy. Thank you for watching.